अमूमन ये गुफा बंद रहती है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। जयदेव, मैं हूं आपका अपना दगड़िया मलयन स्नाइपर डॉक्टर निर्मल सिंह बसेड़ा। सबसे पहले आपको शारदीय नवरात्रि की हार्दिक बधाई। आज का सफ़र एक ऐसी जगह जहां से आप कई बार गुजरे होंगे, लेकिन आपके उस जगह का आप अभी तक हो सकता है आपको पता भी ना हो। मैं भी उस रास्ते से कई बार गुजरा, लेकिन एक दिन अचानक मेरी नज़र वहाँ पर पड़ी तो वहाँ पर था एक गुफा। ये जगह है सतगढ़, जो जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और NH9 पर यह जगह है जिसे भोलेश्वर की गुफा भी कहा जाता है। तो मैंने पंडित जी से उस गुफा के बारे में जब जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि इस गुफा में जाने का सही समय है वो है जब आप बिना कुछ खाए पिए भूखे पेट आके इसके दर्शन कर सकें। तो आज मैं आपको लिए चल रहा हूँ उस गुफा की ओर, भोलेश्वर गुफा की ओर, जहाँ साक्षात शिव विराजमान है। चलिए आज का सफर मेरे साथ NH9 की ओर। अभी हम आ पहुँचे हैं भोलेश्वर गुफा में, और इस जगह को कहते हैं धूना खान। तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे हमें पता चला कि एक गुफा है जहाँ पे शिवजी अपने साक्षात रूप में विराजते हैं। 1962 की लड़ाई के पश्चात जब ये रोड बन रही थी तब ये गुफा अस्तित्व में आई। तो चलिए देखते हैं। ये गुफा का दूसरा छोर है जो अब बंद हो चुका है, लेकिन यहाँ पर सुंदर मूर्तियाँ शिवलिंग स्थापित हैं, और गुफा के दूसरे छोर में जो भोलेश्वर गुफा है हम चलेंगे इसके बाद, तो देख सकते हैं बहुत ही सगरी गुफा जो अब वर्तमान में बंद हो गई है। तो हम गुफा के दूसरे छोर की ओर चलते हैं जहाँ से हम गुफा में प्रवेश करेंगे। अमूमन ये गुफा बंद रहती है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, लेकिन आज हमारे आगरा पर पंडित जी ने गुफा खोल दी गई है। पंडित जी ने बताया कि 1962 में ये गुफा प्रकाश में आई, और उसके पश्चात बहुत कम लोगों को इस गुफा की जानकारी है। ये जगह है NH9 पर जो धाचला से टनकपुर की ओर जाता है, और अभी हम वर्तमान में हैं धूना खान नामक जगह पर जो सतगढ़ गांव से कुछ पहले है। तो चलिए देखते हैं इस गुफा में जहां शिवजी का साक्षात वास है। तो आइए तो चलते हैं गुफा की ओर। गुफा पर जाने से पहले आसपास मोरपंखी के पेड़ हैं,
घना जंगल है ऊपर, सितंबर का महीना है, जाते हुए मानसून की बरसात भी है और रास्ता काफ़ी फिसलन भरा है। 30 मीटर की एक गुफा है। चूंकि लाइट की व्यवस्था यहाँ की गई है, फिर भी प्रकाश जो रास्ता है वहाँ पे लाइट नहीं है, इसलिए लाइट की व्यवस्था यहाँ पे करनी पड़ेगी। काफ़ी संकरा रास्ता है, और चूने पत्थर से निर्मित पूरी ये गुफा है जहाँ तक लाइट पहुँच रही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही सकरा रास्ता यहाँ पर है। लाइट आप देख सकते हैं, बहुत ही सकरा यहाँ पे रास्ता है। और बहुत परिश्रम के साथ इस गुफा में आने का प्रयत्न किया जा रहा है। पूरे चूना पत्थर से निर्मित ये गुफाएं हैं। और यहाँ पर भगवान शिव की मूर्ति स्थापित की गई है। आगे भी ये गुफा बहुत दूर तक जाती है, लेकिन रास्ता अत्यंत संकरा है। आप देख सकते हैं, चूंकि 30 फीट नीचे है, थोड़ा सांस लेने में तकलीफ है। चूना पत्थर से निर्मित ये गुफा वाकई अद्भुत है। और इस गुफा में एक बार में एक ही व्यक्ति आ सकता है। वापस जाने के वक्त एक रास्ता और नीचे को जाता है जहाँ पर शिवलिंग स्थापित है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है, तो हम वापस चलते हैं इस गुफा से बाहर की ओर। ये गुफा भोलेसर गुफा के नाम से प्रसिद्ध है और अभी तक अनछुई है। ये गुफा बहुत सुंदर सी मूर्ति भी यहाँ पर स्थापित है, और ऊपर आप देख सकते हैं एक प्राचीन निर्मित पत्थर पे शिव पार्वती की आकृति आपको ऊपर दिखाई देगी। पानी बदस्तूर गिर रहा है। और गुफा वाकई अद्भुत है। कहा जाता है कि कष्ट से ही
भगवान मिलते हैं और ये बात आज सत्य है, क्योंकि इस गुफा में आना वाकई बहुत कठिन कार्य है और विशेषकर स्थूलकाय लोग थोड़ा सा कठिन है उनका इस गुफा में आना। तो अब हम वापस चलते हैं। इस गुफा को दिखाने का जो मेरा उद्देश्य था कि कण कण में भगवान व्याप्त हैं, और वाकई ये कहा जाता है कि यहाँ शिव साक्षात व्याप्त हैं। तो भोलेश्वर गुफा से आज का सफर यहीं तक। मैं हूँ आपका अपना दगड़िया हिमालयन स्नाइपर डॉक्टर निर्मल सिंह बसेड़ा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं एक नए सफ़र की ओर, एक नए इतिहास के नए पन्ने की ओर, जो अभी तक अनछुआ था इस गुफा की तरह। तो तब तक दगड़ियो भले रहिए, और नवरात्रि की पुनः आपको हार्दिक शुभकामनाएं।